भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, ऐसी घटना पहली बार इस देश में नहीं हो रही है जब से ये केंद्र के अंदर ये भाजपा और आरएसएस के गठजोड़ वाली सरकार बैठी हुई है। ये घटनाएं आम दिन इस देश के अंदर हो रही है। आज नमाज के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में जो भी हमारे पुलिस वाले थे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, सस्पेंशन का ऑर्डर निकल गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे कार्रवाई भी की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आज दिल्ली से चलकर पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में। बिजनौर का एक क्षेत्र है नजीबाबाद, नजीबाबाद के गांव मंडावली में आज आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर रावण की जनसभा है चुनावी, उसको लेकर यहां पर हम पहुंचे हैं और मेरे साथ एडवोकेट सिकंदर है, वो भी दिल्ली से पहुंचे हैं। अभी दो दिन पहले जिस तरह की घटना दिल्ली के अंदर गुजरी है, शर्मसार कर देने वाली घटना, के ताजिए पर बैठे हमारे मुस्लिम भाइयों को लात मार मार कर अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने उनको भगाया, उठाया वहाँ से, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल या एक बहुत बड़ा बट्टा भारत देश के ऊपर लग जाता है। वहीं सुरेश चौहान के एक चैनल चलाते हैं, अपना बड़ा चैनल है उनका, हिंदूवादी चैनल है, वो उस पर दिखाते हैं कि एक पुलिसकर्मी को सड़क से अतिक्रमण हटाना इतना भारी पड़ गया कि उनकी नौकरी भी चली जाती है। वो अपनी पूरी घटना में जिक्र नहीं करते हैं कि मनोज रावत ने किस तरह से लात मारकर पूजा कर रहे या इबादत कर रहे मुस्लिमों को हटाया है। सिकंदर साहब, आप कैसे इस पूरी घटना को देखते हैं? बहुत ही शर्मनाक घटना है जी, बहुत ही निंदनीय घटना है और ऐसी घटना पहली बार इस देश में नहीं हो रही है जब से ये केंद्र के अंदर ये भाजपा और आरएसएस के गठजोड़ वाली सरकार बैठी हुई है। ये घटनाएँ आम दिन इस देश के अंदर हो रही है। सरकार लगातार सामान्य से सामान्य घटना को धर्म और जात से जोड़ करके देश के अंदर इस तरह का उन्माद फैला देती है जिससे उसको पॉलिटिकल माइलेज प्राप्त होता रहे। तो क्या लगता है, जैसा कि पिछले दो तीन सालों के अंदर मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आई थी कि वो मवेशी ले जा रहे थे, कि गाय ले जा रहे हैं मुसलमान काटने के लिए, उनको मार दिया जाता है, या जैसे ऊना कांड में दलितों को मरे हुए मवेशियों की खाल छीलने पर पीटा गया, उनको घुमाया गया गाड़ी से बांधकर, इस तरह की घटनाएं जब आम मीडिया के माध्यम से आती है तो देश की मीडिया के मुंह पर ताला लग जाता है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया बड़ी प्रमुखता से इनको उठाती है। देखिए, सांप्रदायिकता और डेवलपमेंट जी दो डिफरेंट चीजें हैं। जहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति होगी वहां डेवलपमेंट नहीं होगा, और जहां डेवलपमेंट होगा वहां सांप्रदायिक अपने पैर नहीं पसार पाएगी। उसका कारण यह है कि डेवलपमेंट होगा तो स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, ठीक है जी, रोजगार बढ़ेगा, तो यहाँ पर लोगों को समय नहीं होता फिर बेकार की चीज़ों के अंदर अपने आप को संलिप्त करने का। इसलिए ये सरकारों पर, राजनीतिक जो लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस देश को किस तरीके से, किस नज़रिए से चलाना चाहते हैं। ये सरकार जो है ये अपने पुराने और छुपे हुए एजेंडे पर काम कर रही है इस देश के अंदर, जो मनुवाद का एजेंडा है, जो गोलवलकर हेडगेवार का एजेंडा है, जो कि ये लोग पिछले 100 सालों में इसको यहाँ पर इस देश के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। उसकी बड़ी वजह यह थी कि देश का जो जनमानस था वो राजनीतिक और सामाजिक रूप से इतना परिपक्व था कि उसको, उन लोगों ने ऐसे लोगों को पनपने के लिए कोई स्पेस दिया ही नहीं इस देश के अंदर। लेकिन आज का दौर जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, या हर हाथ में मोबाइल है। इस देश की 150 करोड़ की आबादी है लेकिन 400 करोड़ मोबाइल हैं, इंटरनेट है, तो इसके माध्यम से देखो आविष्कार, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके कुछ अपने नुकसान हैं तो फ़ायदे भी हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जिस तरह केंद्र में बैठी भाजपा और आरएसएस सरकार इस्तेमाल कर रही है इस देश को जलाने में, इस देश के अंदर नफरत फैलाने में और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन लोगों को इस तरह के अधिकार नहीं है। उन लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है इस देश के अंदर,
अगर वो जरा सा कहीं अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास भी करते हैं तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप ही जिस वर्ग विशेष से आप आते हैं उस वर्ग विशेष को हमेशा से टारगेट किया जाता रहा, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हों, एनडीए की सरकारें रही हों या वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। उनका कहना है कि आप लोग शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहयोग नहीं करते हैं, आप लोग अपनी शिक्षा अलग लेकर चलते हैं मदरसों वाली, जबकि होनी चाहिए थी देश के अंदर जो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण अब तक हो जाना चाहिए था अगर आप लोग सहयोग देते तो, सरकारी स्कूलें बंद हो गए इसी वजह से। नहीं नहीं, ये तो देखिए प्रोपेगेंडे, आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, देश है, लोग है, 150 करोड़ की आबादी का देश है, इसमें आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 लाख सरकारी स्कूल बंद करने की नौबत आ गई है। 1.5 लाख सरकारी स्कूल तो ये बंद कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने इनको स्कूलों से प्यार नहीं है, इनके बच्चों के भविष्य से प्यार नहीं है, ये तो स्कूल के कभी भी पक्ष में नहीं रहे, ये तो अपनी मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं और मनुवादी व्यवस्था कभी भी नहीं चाहती कि देश का बहुसंख्यक समाज इस देश के अंदर शिक्षा ग्रहण करे। आप बहुसंख्यक कहते हैं, वो अल्पसंख्यक कहते हैं, नहीं उनके कहने की क्या है, वो तो इस देश को देश भी नहीं मानते, अपने आप को बहुसंख्यक बोलते हैं, वो तो इस देश को देश भी नहीं मानते, वो तो राष्ट्रीय झंडे का सम्मान नहीं करते, वो तो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान नहीं करते, लेकिन उनकी क्या है, लेकिन इस देश की 100 करोड़ आबादी, 150 करोड़ की आबादी के अंदर आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो देश के संविधान के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, झंडे के अपने राष्ट्रीय तिरंगे झंडे के अंदर लपट करके शमशान या कब्रिस्तान जाना चाहते हैं, इनकी ऐसी बहुजन समाज की ऐसी भावना है, मंशा हो गई है। हाँ, भावना तो है। क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल जैसे नगीना से बहन जी 89 में यहाँ से सांसद बनी थी, उसके बाद गिरीशचंद जाटव वर्तमान में है, बीजेपी भी बीच में कई बार सीट ले गया, इस बार आज़ाद समाज पार्टी से आपके आज़ाद चंद्रशेखर रावण लड़ रहे हैं चुनाव, तो क्या उनका निकल के आ रहा है, जो निकल के आ रहा है? नहीं देखिए, ऐसा है कि बहन मायावती जी की अगर मैं बात करूं तो वो इस सूबे की 4 बार की मुख्यमंत्री रहीं और दलित मुस्लिम वोटों के गठजोड़ से, दलित मुस्लिम के वोटों के सहयोग से ही वो मुख्यमंत्री बन पाई, लेकिन पिछले 10 सालों में वही मायावती जी एक शब्द, चाहे वो ऊना हो, गुना हो या दलितों पर ट्वीट तो करती है, ट्वीट तो करती है ना, कोई ट्वीट नहीं करा उन्होंने, कोई एक आध ट्वीट करा तो मैं उसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन कोई ट्वीट उन्होंने नहीं करा और लगातार मुस्लिम दलितों के ऊपर इस देश में अत्याचार होते रहे। दलित और मुसलमान अपने आप को इस देश में पिछले 10 सालों में ठगा हुआ महसूस कर रहा है, आने वाले चुनावों के अंदर जवाब देगा मायावती।